नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, शबनम केस में एपी सिंह का क्या रोल है पता नहीं, लेकिन एपी सिंह अपनी बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं हर एक केस में, चाहे वो निर्भया का केस हो, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो शबनम का केस हो, हर एक केस में वो इंटरफेयर करते हैं। और हर चीज़ में एक कॉमन बात होती है कि जहाँ पे दोषी होता है, जहाँ पे आरोपी होता है, सज़ा सुना दिया गया रहता है, वहाँ पे जाकर के वो इंटर करते हैं और कहते हैं कि ये जो दोषी है वो पूरी तरह से निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। मतलब हर केस में आपको यही बात सुनने को मिलता है कि एपी सिंह उसके पास खड़ा होता है जो कि पूरी तरह से दोषी करार किया गया रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक मीडिया स्टंट है कि अपना नाम जो है वो चर्चा में लाना चाहते हैं, मीडिया के सामने लाना चाहते हैं, या फिर ये कोई अलग रणनीति है, या फिर अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, वकील में अपना नाम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये कुछ इस तरह का है? आपको क्या लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी इस केस में, शबनम केस में भी ऐसा ही देखने को मिला है। शबनम केस में एपी सिंह ने कहा है कि शबनम बेगुनाह है, उसे सजा नहीं हो सकती। भले ही उसे अदालत फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन पूरी तरह से फांसी देने में अभी वक्त है और ये फांसी बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, एपी सिंह कानून के जानकार है, उसको पता है कि कब, किस समय, किस वक्त पे कौन सा चाल चला जाए जिससे फांसी में डिले किया जाए। ऐसा हम लोगों ने निर्भया केस में देखा था कि कई बार जो फांसी की डेथ वारंट इशू हुई उसके बाद से फिर से डिले कर दिया गया। कई बार ऐसा केस निर्भया केस में देखने को मिला था। इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अगर एपी सिंह पूरी तरह से इस केस में आ जाए तो फिर से ये जो कह सकते हैं फांसी की सजा जो है वो फिर से डिले और भी देरी करता जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल ऑफिशियली जो है एपी सिंह इस केस में इंटर नहीं हुआ है, लेकिन वो बयान दिया है कि शबनम को फांसी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो महिला है और भारत देश में आज़ादी के बाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि महिला को फांसी दिया गया है। तो इस तरह के कई सारे दलील है जो एपी सिंह ने रखा है, लेकिन अब अदालत ही फैसला करेगी, राज्यपाल फैसला करेगा कि जो है शबनम और सलीम को फांसी दिया जाए या नहीं दिया जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है शबनम केस में, वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले आपको बताता है। हर बार की तरह आपने अगर कुछ भी मिस किया है तो जाकर के शबनम केस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप कई सारे वीडियो देख पाओगे जो भी आपने मिस किया है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।